नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम, अब तक 90 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, तो 4,70,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, वहीं 48 लाख से ज्यादा मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ। भारत में कोरोना का कहर जारी, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4,25,000 के पार, तो अब तक 13,699 लोगों की मौत, वहीं 2,37,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। पीएम मोदी पर हमलावर हुए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, चीन विवाद पर मनमोहन सिंह का बयान, भ्रामक प्रचार से बचने की दी नसीहत। कोविड 19 को लेकर जागरूकता अभियान का आगाज, सीएम गहलोत ने की अभियान की लॉन्चिंग, डीसी के माध्यम से जुड़ी 11,500 ग्राम पंचायतें, 30 जून तक चलेगा देश का पहला व्यापक जागरूकता अभियान। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का बढ़ा ग्राफ, आज 67 नए कोरोना पॉजिटिव आए सामने, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 14,997, तो कोरोना से अब तक 349 लोगों ने गंवाई जान। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।